Hi guys, welcome to my channel. Hirayat. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने यूरोप में कैसे ट्रैवल करना है और मेरा जो आइटिनरी है दैट इज द साउथ ऑफ फ्रांस. हम स्टार्ट करेंगे नीस से, एंटीब्स में केन्स और एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, वहाँ पे हम मोंटी कार्लो जाएंगे और एक विलेज है, बहुत ही सीनिक विलेज है फ्रांस में, साउथ ऑफ फ्रांस में कोट डी अजूर में, जिसका नाम है द एज. उसके बाद में मेरा ट्रैवल रहेगा स्विट्ज़रलैंड में, तो मैं वहाँ पे भी आपको बताऊँगा कि आपने स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पे ट्रैवल करना है. मेरा जो फोकस है वो ये रहेगा कि हम कितने बजट फ्रेंडली होकर ट्रैवल कर सकते हैं. और यकीन मानिए माई फ्रेंड्स, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत एग्जॉटिक है. ये जो डेस्टिनेशन के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक है, बट अगर आप थोड़ा समझ बूझ के ट्रैवल करते हैं तो ये बहुत इकोनॉमिकली आप इसको कवर कर सकते हैं. मेरा जो फर्स्ट स्टॉप रहेगा वो है एंटीब्स, तो देखते जाइए. मैं आपको एंटीब्स के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ कि हम एंटीब्स में कहाँ पे जा सकते हैं, कितनी देर रह सकते हैं, एंटीब्स में क्या है देखने के लिए और आप क्या कर सकते हैं. टू स्टार्ट विथ, मैं फोर्ट एंटीब्स गया था जो कि हार्डली 10 मिनट्स है वॉकिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन. यहाँ पे आप जो ये एंटीब्स बीच देख रहे हैं यहाँ पे भी आप रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत ही सीनिक है. मेरा जो बेस था वो नीस था, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे आपका एयरपोर्ट है जो कि बाकी एरियाज में नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. और उसके अलावा नीस काफ़ी बजट फ्रेंडली है, यहाँ पे आपको होटल्स बहुत ही इकोनॉमिक रेट में मिल जाते हैं. यू वॉन्ट बिलीव गाइज, आपको एक हॉस्टल नहीं बट एक 2-स्टार होटल विद अटैच्ड बाथरूम करीबन 2,500-3,000 रुपये में मिल जाता है. ब्रेकफास्ट अलग है बट कनेक्टिविटी नीस का बहुत अच्छा है. ये सेंट्रल पॉइंट है जो कि मैं ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मैं नीस से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं कांस में जाता हूँ जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और फिर मैं मोनाको जाता हूँ जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो सेंट्रल पॉइंट नीस काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है. हाय गाइस, पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा, दैट इज़ द मेडिटेरियन सी. और अभी हम लोग फोर्ट एंटीब्स में ही हैं. मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आसान है इधर आना. ये टिकट है, मैं आपको अभी जूम करके दिखाऊंगा. दो जन का कुछ 24 यूरो लगता है टू एंड फ्रो फ्रॉम नीस टू कैंस. कैंस से 2 स्टेशन पहले है एंटीब्स. पहले हमने सोचा था कि हम कैंस ही चलते हैं, बट यहाँ आके वी डोंट रिग्रेट. हार्डली 10-15 मिनट लगा हमारे कुछ स्टेशन से यहाँ पहुँचने में. और यकीन मानिए मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ये इतना सुंदर है. और द बेस्ट पार्ट इज़ हम लोग लो सीज़न में आए हैं और आपको वेदर दिख रहा है. नीस या कोट डी अजूर की ये खासियत है कि यहाँ पे 12 महीना आपको धूप मिलेगा. और अभी वेदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपने देखा होगा मैंने लेदर जैकेट वगैरह पहना हुआ है, बट स्टिल बहुत कंफर्टेबल वेदर है. कूल ब्रीज है, एट द सेम टाइम बहुत सनी है. अभी टाइम हो रहा है आपका कुछ 11:15. हम लोग घर से निकले थे करीबन 9 बजे के आसपास, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था. एंड मैं आपको इसका लिंक. गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ पे, आप देख ही सकते हो, क्योंकि एक सी और स्नो क्लैड माउंटेन मैं पहली बार एक साथ देख रहा हूँ. अदरवाइज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत ही सेफ कंट्री है. साउथ ऑफ फ्रांस स्पेशली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है, और उसके अलावा यहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू पेरिस. बट एक और चीज़ है, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश उतनी नहीं आएगी जितनी आपको पेरिस में लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं. तो आपने अपने साथ गूगल ट्रांसलेट हमेशा रखना है, एक दो वर्ड्स आपने यहाँ पे यूज़ करना है जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो. हर किसी को बॉन्जू ज़रूर बोलना है, और जब आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनको मर्सी ज़रूर बोलना है, अदरवाइज़ वो थोड़े से ऑफेंडेड हो जाते हैं. बट यही कल्चर है गाइस. ये DGV जो रेल है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. 50 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने सिर्फ 20-25 मिनट्स में ट्रैवल करा है,
और ये जो रूट है फ्रॉम नीस टू कांस, अगर आप ट्रेन के लेफ़्ट साइड बैठते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है, आपको ये जो पूरा कोस्टल एरिया है इसका आपको व्यू मिलता है। गाइज, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। आप जब साउथ फ्रांस या फ्रांस पर ट्रैवल करते हैं तो आपको एक सुपरमार्ट दिखता है जिसका नाम है कसिनो, तो कंफ्यूज मत होना, वो एक्चुअल में एक सुपरमार्ट है। वहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस सब मिलते हैं, वाइन वगैरह, यू विल गेट एवरीथिंग। आप आराम से 10 यूरो में दो जन के लिए बहुत अच्छा फूड पैक कर सकते हैं, आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं, तो आपका टाइम भी बच रहा है और आपका पैसा भी बच रहा है। आपको ट्रेन में खाने से कोई नहीं रोकता है, बट थोड़ा सा माइंड करके गंदगी कम हो उस हिसाब से आपने अपना पिकनिक मनाना है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराना भूल गया, मेरा नाम तेजस है, इनका नहीं, इनका नाम ओजो था, और मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ जिनका नाम पायल है, और वी आर वेरी न्यू टू ट्रैवल व्लॉगिंग। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एज मच एज यू कैन इसको शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, मैं आपको कैंस दिखाऊंगा और मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सी यू गाइज़।